So hey, hello, so welcome back to your own channel. So this is Ayush and you are watching Unending Education. So आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसे लिखा है तिसानी जोशी ने. So आज का हमारी ये जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्थर तिसानी जोशी अपनी जर्नी को कम्प्लीट करती है अंटार्कटिका का, और फिर वो वहाँ जाती है और जो जो चीज वो अंटार्कटिका के बारे में ऑब्जर्व करती है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू आती है. सो यहाँ तक तो था हमारे इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू. अब डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करेंगे. उससे पहले चैनल पे नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, उसे जरूर क्लिक करना क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं. और साथ ही अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो देन तुम लोगों को बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है और तुम लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आने वाला है. सो अब चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं. सो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ऑर्थर हमें बताती है कि वो अपनी जो जर्नी है वो एक रशियन रिसर्च शिप से शुरू करती है जिसका नाम एकेडमी सोकाल्स था. वो अपनी इस जर्नी को अंटार्कटिका के लिए शुरू कर रही थी, जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस है. वो अपनी इस जर्नी को 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो कि मद्रास था, वहाँ से 9 टाइम्स जोन, 6 चेक पॉइंट एंड 3 वाटर बॉडीज के साथ साथ बहुत सारे इकोस्फेयर को क्रॉस करके फिर अंटार्कटिका पहुँचती है. ऑर्थर को अंटार्कटिका पहुँचने में पूरे 100 घंटे लगते हैं, यानी कि 4 दिन से थोड़ा कम टाइम उन्हें अंटार्कटिका पहुंचने में लगता है. वो बहुत ही अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके वहां पहुंचती है, जैसे उन्हें कार से ट्रैवल करना पड़ता है, एरोप्लेन, और आखिरकार वो शिप से ट्रैवल करके अंटार्कटिका पहुंचती है. और जब वो अंटार्कटिका पहुंचती है तब वो देखती है कि अंटार्कटिका एक बहुत ही मैसिव जगह है और वो एक पूरा वाइट लैंड है जहाँ पे पूरा की पूरी दुनिया पूरी अलग है. और फिर वो सोचती है कि एक टाइम पे अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंडमास का हिस्सा था. तो अब ऑर्थर ने ये जो चैप्टर है इसे क्लासिफाई करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ना ही पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो. पहला है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सेकेंड है ह्यूमन इम्पैक्ट, थर्ड है हमारा वॉक ऑन ओशियन. तो ये 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर सब डिवाइडेड हो गया है. तो इस पार्ट में, यानी कि पार्ट ऑफ हिस्ट्री में, जो ऑर्थर है वो हमें अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में बताएगी. तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री को. तो इसके बाद ऑर्थर हमें अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में ये बताती है कि कैसे 650 मिलियन ईयर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था, और वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसमें सारी कंट्रीज एकजुट थे उस टाइम पे, और उस टाइम ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे. अब उस टाइम का फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा था और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा वार्म था. अराउंड 500 मिलियन ईयर तक ऐसे ही जो फ्लोरा एंड फौना था गोंडवाना का ऐसे ही बढ़ता रहा, और फिर अचानक ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, जैसा तुम लोग जानते हो. और फिर जैसे ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए वैसे ही मैमल्स का जन्म हुआ और मैमल्स का टाइम शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे करके ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना वो सब डिवाइड हो गया अलग अलग कंट्रीज में, जिन्हें अभी तुम लोग अपने मैप पे देखते हो. इसके बाद ऑर्थर हमें बताती है कि अंटार्कटिका विजिट करने से हम लोगों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक टाइम पे सारी कॉन्टिनेंट एक ही लैंडमास का हिस्सा था जो कि गोंडवाना लैंड था. इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड कैम्ब्रियन ग्रेनाइट. इससे हमें ये भी पता चलता है कि ओजोन, कार्बन एंड बाकी सारी चीज़ों का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन, मतलब कैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए एंड ह्यूमंस इवॉल्व हुए. इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को अंटार्कटिका विजिट करने से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है. अब
ऑथर हमें आगे बताती है कि जैसे ही इंडिया गोंडवाना से अलग हुआ, वैसे ही हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, और फिर जैसे ही साउथ अमेरिका अलग हुआ गोंडवाना से, वैसे ही ड्रेक पैसेज खुल गया, जिससे कोल्ड सर्कम पोलर विंड्स आना शुरू हो गया अंटार्कटिका में, और फिर पूरा अंटार्कटिका ठंड से भर गया, और फिर धीरे धीरे सारी की सारी बर्फ अंटार्कटिका में जम गई, और फिर ये जो अंटार्कटिका है ये पूरे एक वर्ल्ड के मैप से अलग हो गया और एक अलग ही दुनिया बन गया। अब ऑर्थर हमें आगे बताती है कि वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, जहाँ पे सन की पूजा की जाती है, और साउथ इंडिया में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, और फिर जब वो अंटार्कटिका जाती है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के 90% आइस जमी हुई है, जब वो वहाँ जाती है तब वो उनके लिए एक बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट होता है। अब ऑर्थर आगे बोलती है कि जैसे ही वो वहाँ पे चलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बड़े से जाइंट से पिंग पोंग बॉल पे चल रही है, जहाँ पे ना ही कोई ट्री है ना ही कोई बिल्डिंग है। वो आगे कहती है कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक से लेके माइटीएस्ट चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग, जो कि एक कंट्री जितनी बड़ी हो सकती है। जो सबसे बड़ी आइसबर्ग यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक बेल्जियम जितनी बड़ी है, जो कि काफ़ी एक एक्साइटिंग फैक्ट है अंटार्कटिका के बारे में। आगे ऑर्थर कहती है कि यहाँ पे जब समर होता है तब दिन भर यहाँ रोशनी होती है, लेकिन विंटर में यहाँ दिन भर अंधेरा होता है और कोल्ड ब्लोइंग विंड्स यहाँ दिन भर चलते रहती है। और फिर वो आगे बोलती है कि हमें यहाँ आने के बाद अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें के बारे में पता चलता है, और यहाँ आने के बाद जो बातें हम लोगों को पता चलती है वो ह्यूमंस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो यहाँ तक तो था हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट, जो कि है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, जो कि है ह्यूमंस इम्पैक्ट। अब इस सेक्शन में जो है, इसमें हमें ऑर्थर बताती है कि ह्यूमंस के कारण क्या क्या दिक्कत अंटार्कटिका और एनवायरनमेंट में आ रही है, इन सब बारे में इस सेक्शन में हमें ऑर्थर बताएगी। सो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमंस इम्पैक्ट को। अब ऑर्थर आगे कहती है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को अर्थ पे आए हुए 12,000 साल हुए हैं, और जो कि काफी कम टाइम है एज कंपेयर टू अर्थ की एज। इतने कम टाइम में ही हमने अर्थ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दिया है, और फिर हमने नेचर को भी बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। हमने विलेजेस, टाउन, मेगा सिटीज और साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बाकी सारी स्पीसीज लिमिटेड रिसोर्स के लिए, अपना एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे फाइट कर रही है, और बहुत सारी स्पीसीज तो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हमने फॉसिल फ्यूल को इतना ज़्यादा यूज़ किया और कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी कि अर्थ का पूरा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। इसके बाद ऑर्थर हमें आगे बताती है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहा है और बन गया है, क्योंकि हो सकता है कि अंटार्कटिका का वेस्ट साइड ऑफ द बर्फ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, जिसके कारण ह्यूमन स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। अंटार्कटिका हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे आज से पहले या फिर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है। ये एक तरह से एक बहुत ही प्रिस्टीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे 500 मिलियन ईयर पहले की कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ह्यूमंस ने उस कार्बन ट्रैप को एक्सप्लॉइट नहीं किया है, क्योंकि अंटार्कटिका पे अभी तक कोई भी जाके रहा नहीं है, इसलिए वो कार्बन ट्रैप अभी तक सेफ है। तो अगर हमें हमारी अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है, तो अंटार्कटिका से अच्छा प्लेस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं मिलेगा। अब आगे ऑर्थर हमें उस प्रोग्राम के बारे में बताती है, जिसके थ्रू वो अंटार्कटिका आई थी। उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, और वो प्रोग्राम जो है वो 6 सालों से चल रहा था, और इसके हेड थे
कैनेडियन जॉफ ग्रीन। कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो कि इस प्रोग्राम के लीडर थे, वो पहले फेमस और रिच लोगों को ही अंटार्कटिका ले जाते थे, बट कुछ टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाएंगे। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता था कि स्टूडेंट्स ही इस वर्ल्ड का फ्यूचर है और स्टूडेंट्स अंटार्कटिका से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाना डिसाइड करते हैं। और उनका ये जो प्रोग्राम है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स लाइव देखते हैं कि ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहे हैं, और इससे उन्हें रियलाइज होता है कि ग्लोबल वार्मिंग आज की दुनिया का कितना बड़ा थ्रेट है और जिसके कारण अर्थ पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। ऑर्थर हमें आगे कहती है कि जो अंटार्कटिका का इकोसिस्टम है वो काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे कोई भी बायोडायवर्सिटी नहीं है, जिसके कारण एनवायरनमेंट में छोटा सा चेंज कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है इसे हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं अंटार्कटिका में। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो कि एक सिंगल सेल्ड प्लांट होता है और ओशन के सरफेस पे पाया जाता है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन और बहुत सारे अदर कंपाउंड रिलीज करता है, जिसके कारण मरीन एनिमल सर्वाइव करते हैं और मरीन लाइफ भी इसके कारण बहुत ही अच्छे से चल पाती है। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट है इसके जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है और फिर इसके कारण पूरा का पूरा मरीन जो एनिमल्स है उनके लाइफ में भी डेंजर आ सकता है। तो अब हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट और सेकेंड फेज भी कंप्लीट होता है जो कि है ह्यूमन इम्पैक्ट। अब हम लोग तीसरा फेज यानी कि तीसरा टॉपिक जो कि है वॉक ऑन द ओशन वो शुरू करेंगे। तो अब ऑर्थर हमें आगे एक इंसिडेंट शेयर करती है और कहती है कि जब वो शिप से अंटार्कटिका जा रहे थे तो उनका जो शिप है वो पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड के बीच मोटी जो बर्फ है वहाँ पे फंस जाती है। अब कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो शिप को नॉर्थ से होकर ले जाएंगे और उससे पहले वो लोग सभी कोई बर्फ पे उतरते हैं। वो 52 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो सभी उस बर्फ पे चलते हैं और वो जो आइस था वो 1 मीटर तक थिक थी एंड उसके नीचे 180 मीटर तक सॉल्ट वाटर था और उसमें पूरा का पूरा मरीन लाइफ था, वहाँ पे सील भी थी। और फिर ऑर्थर बोलती है कि वो टीनेजर्स के साथ जो 2 वीक वो बिताती है वो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था और उस टीनेजर्स के ग्रुप ने जो रियलाइज किया उससे हमारा ये जो वर्ल्ड है ये बच सकता है। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए देन वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए देन सब्सक्राइब जरूर करना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up.